बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आलू पालक, जो कि बहुत ही मज़े के और जल्दी जल्दी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पालक को मैंने दो तीन पानी से धो लिया है, तो अभी मेरे पास एक दरमियाना सा प्याज है, प्याज डाल देंगे। और केतले के अंदर मैंने गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी डालेंगे ताकि पालक को जल्दी उबाला आ जाए। एक दो उबाला आने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए जी, गर्म पानी डालने से बालों को जल्दी उबाला आना शुरू हो गया है, तो अभी मैं ढकना लगा के एक दो उबाले दे लूँगी। प्याज के मैंने इस तरह गोल गोल तीन पीस काट लिए ताकि प्याज भी जल्दी गल जाए। अच्छा जी, पालक मैंने ग्राइंड कर ली है, वही पतीली मैंने वापस ले ली है, तो इसमें डालेंगे एक भर के चम्मच मक्खन। मक्खन से बनाऊंगी पालक। अच्छा जी, मक्खन जो है वो मेल्ट हो गया है, तो अब डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास हैं हरी मिर्चें, तीन से चार मैंने चॉप कर ली हैं, ये डाल देंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास है एक मैगी, ये डाल देंगे। एक टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे। एक टीस्पून ही नमक डालेंगे। और पीसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, सॉरी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मसाले जो मैंने डालने थे वो डाल दिए हैं, तो अब छोटा सा एक मैंने आलू लिया है, तो उसको बारीक बारीक नॉर्मल सा काटा है, ये डाल देंगे। आलूओं को तीन से चार मिनट मैंने भून लिया है। अब मैं डालूंगी ग्राइंड की हुई पालक। आलू भी अब अच्छे से गल जाएंगे। चलिए जी, अब देखें थोड़ी थोड़ी पालक जो है ना पतली है, तो इसी पालक के अंदर ही आलूओं को हमने गला लेना है। 10 मिनट ढकना लगा के पका लेंगे। आलू पालक जी तैयार हो गए हैं। ऊपर से थोड़ी सी जैतून का तेल डालेंगे, इसलिए मैंने मक्खन थोड़ा कम डाला था। चलें जी, जैतून डाल दिया है, ये हमारे आलू पालक पक गए। आज की वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।